Hey you guys, so it's me Malika. Welcome back to my channel. So most of you guys have been asking me to make a video on saree draping for beginners. And मैंने अपने channel पर बहुत सारी videos share करी हैं साड़ी में, जिसमें कि मैंने बताया है कि एक साड़ी को अलग अलग तरीके से कैसे पहनते हैं, या फिर मैंने different draping styles बताए हैं. लेकिन आज तक भी मैंने ये video share नहीं करी थी कि मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ. So you guys, this is the video. तो आज की video में मैं आपको बताऊंगी कि मैं साड़ी कैसे drape करती हूँ, और मैं कुछ आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आप भी साड़ी बांध सकते हैं लाइक अ प्रो. सो इफ यू आर समवन जिसे साड़ी पहनना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और कभी कभी प्लीट्स ठीक से नहीं बनती हैं, सो इस वीडियो को एंड तक देखना. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. सो माय फर्स्ट टिप इज, इफ यू आर अ बिगनर और लाइक आपने कभी भी साड़ी नहीं पहनी है, सो ऑलवेज गो फॉर अ फ्लोई फैब्रिक. फ्लोई फैब्रिक जैसे कि आप कोई शिफॉन साड़ी ले सकते हैं, या फिर आप कोई जॉर्जेट साड़ी ले सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा फैब्रिक ले सकते हैं जो कि फ्लोई हो, जो कि बहुत ईजिली ड्रेप हो जाए. इनका रीजन क्या है, ये जो शिफॉन साड़ी है, जॉर्जेट साड़ी है, ये बहुत ईजिली ड्रेप हो जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले. तो आप भी कोई ऐसी साड़ीज चूज कर सकते हैं जो कि बिना एफर्ट्स डाले बहुत ईजिली ड्रेप हो जाती है. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने अपने पेटीकोट को बैली बटन से थोड़ा सा नीचे बांधा है. आपको जितनी लो राइज साड़ी चाहिए आप उतना नीचे पेटीकोट बांध सकते हैं. एंड मेक श्योर जब भी आप साड़ी पहने तो पहले अपनी हील्स या जो भी फुटवेयर हैं आप उन्हें पहन लें साड़ी बांधने से पहले. अब मैं ये साड़ी का नॉन फैंसी पार्ट लूँगी और इसे धीरे धीरे मैं साड़ी को टक इन करना स्टार्ट करूँगी. मैं थोड़ा सा राइट में टक इन करती हूँ, आप सेंटर में या फिर आप थोड़ा सा राइट साइड में टक इन कर सकते हैं अपनी साड़ी को, पर लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी टक इन नहीं करना है. अब जब आप पीछे से अपनी साड़ी टक इन करेंगे तो आपको साड़ी को नहीं घुमाना है, बल्कि आपको खुद घूमना है और फिर साड़ी को टक इन करना है. इससे आप बहुत इजीली टक इन कर सकेंगे. और मेक श्योर कि आपकी साड़ी इतनी ऊंची ना हो कि आपकी हील्स दिखें, और एट द सेम टाइम वो बहुत नीचे भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके पैरों में आ रही है. तो आप थोड़ा सा बैलेंस बनाइए. और अब हम ये फ्रंट प्लीट्स बाद में बनाएंगे. सबसे पहले हम ये जो पल्लू होता है पल्लू को रफली, अभी मैं प्लीट्स नहीं बना रही हूँ, प्लीट्स मैं इसकी बाद में बनाऊंगी. और मुझे इसकी जितनी भी लेंथ चाहिए मैं इसे अपने लेफ़्ट शोल्डर पर प्लेस करूँगी. यूजुअली मैं थोड़ा सा लॉन्ग पल्लू लेती हूँ क्योंकि लॉन्ग पल्लू मुझे लेना पसंद है. इससे एक इल्यूशन क्रिएट होता है और हम काफ़ी टॉल भी दिखते हैं. अब मैं लेफ़्ट से ये साड़ी का फैब्रिक लूँगी और इसे सामने सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी. तो इससे साड़ी का बहुत ही सुंदर लुक आता है. सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद इसका ये जो थोड़ा सा फैब्रिक है इसे मैं टक इन करूँगी. तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर प्लीट्स मिलेंगी आपको. जो आपकी साड़ी का ओवरऑल लुक है वो ये साइड में प्लीट्स से आता है. अब ये जो साड़ी का लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है तो इससे मैं प्लीट्स बनाना स्टार्ट करूँगी. वेल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. आपको अपनी फिंगर्स और थंब की हेल्प से अच्छे से इसे पकड़ना है जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, और आपको छोटी छोटी सी प्लीट्स बनानी है. छोटी प्लीट्स बनाकर बहुत ही सुंदर लुक आता है साड़ी का. तो मैं अपने थंब की हेल्प से और अपनी फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से प्लीट्स बनाऊँगी. मैं वन बाय वन इन्हें फोल्ड करती रहूँगी. सो यू गाइज हैव टू रिपीट द सेम स्टेप. आपको फोल्ड करना है और फिर उसे अच्छे से होल्ड करके रखना है अपनी थंब और फिंगर्स की हेल्प से. एंड मेक श्योर आप अपनी प्लीट्स को थोड़ा सा टाइट होल्ड करके रखें, अदरवाइज वो खुल सकती हैं और फिर आपको दोबारा बनानी पड़ेंगी. तो आप उन्हें थोड़ा सा टाइट होल्ड करके रखें अपनी फिंगर्स की हेल्प से. एंड रिपीट द सेम स्टेप जब तक आपकी सारी प्लीट्स नहीं बन जाती हैं. आप जितनी छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे उतना सुंदर लुक मिलेगा आपकी साड़ी को. सो नाउ माई फ्रंट प्लीट्स आर ऑलमोस्ट डन. एंड मेक श्योर कि जो आपका जो सबसे फर्स्ट पल्लू होता है, ये जो आपकी फर्स्ट प्लीट होती है, ये आपकी बाकी सारी प्लीट से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए जिससे कि आपकी बाकी सारी प्लीट्स इसमें कवर हो जाएं. तो आप अपने फर्स्ट पल्लू को अच्छे से सेट कर सकते हैं. एंड नाउ एट दिस पॉइंट इफ़ यू वांट आप इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर सकते हैं, बट मैं यूजुअली पिन नहीं लगाती हूँ. बट अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं. अब मैं अपनी सारी प्लीट्स को गैदर करूँगी और सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करूँगी. एंड नाउ ये जो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है आप इसे सिंपली टक इन कर सकते हैं. ये पार्ट वैसे भी आपका पल्लू के नीचे आएगा तो दिखेगा नहीं, सो यू डोंट हैव टू बी नीट इन इट. आप इसे सिंपली टक इन कर सकते हैं. और अब हम बनाएंगे फ्रंट प्लीट्स.
एंड नाउ अगेन मैं अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से पल्लू की प्लीट्स बनाऊंगी। तो जब भी आप अपनी पल्लू की प्लीट्स बनाएं तो मेक श्योर कि ये जो आप फर्स्ट पल्लू ले रहे हैं, ये आपने फर्स्ट प्लीट ली है, ये आपकी थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए आपकी बाकी सारी प्लीट्स से। इससे क्या होता है, आपकी बाकी जो अंदर की प्लीट्स होती हैं वो हाइड हो जाती है। और कभी कभी होता है हम पल्लू अपने शोल्डर पर रखते हैं तो हमारी अंदर की प्लीट्स दिखती हैं, तो इससे आपको कभी भी वो प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप हमेशा ये ट्राई कर सकते हैं ये वाली ट्रिक, तो इससे आपकी जो अंदर की प्लीट्स हैं वो हाइड रहेंगी। अब ये प्लीट्स बन चुकी हैं और इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं पल्लू के छोटे छोटे सेक्शंस लूँगी और इन प्लीट्स को शेक करते हुए अच्छे से सेट कर लूँगी। तो आप छोटे छोटे से सेक्शन ले सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा शेक करिए जिससे कि कोई प्लीट अगर आपकी छुपी हुई है तो वो आपकी ऊपर आ जाए, और आप इन्हें शेक करते हुए अच्छे से अपनी प्लीट्स को सेट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही नाइसली प्लीट्स मिलेंगी। मैं बहुत छोटे छोटे से सेक्शंस ले रही हूँ और मैं उन्हें शेक करते हुए सेट कर रही हूँ। आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लीट्स मिलेंगी। तो आप एक एक प्लीट लीजिए अपनी, उसे थोड़ा सा शेक कीजिए और आप फिर उसे सेट कर सकते हैं अच्छे से। तो ये स्टेप आपको लास्ट तक रिपीट करना है, जब तक आपका पल्लू पूरा सेट नहीं हो जाता। आपको अपनी एक एक प्लीट्स को अच्छे से सेट करना है। वंस इट इज़ डन, आप अपने पल्लू को खींचते हुए पूरा अच्छे से शोल्डर पर प्लेस कर दीजिए। एंड नाउ माई प्लीट्स आर डन। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ब्लाउज के साथ। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने पीछे अपनी पिन से अपने इस पल्लू को सिक्योर कर लिया है, तो मेक श्योर आप अपनी जो सेफ्टी पिन है वो पीछे की साइड में लगाएं। यहाँ से मैंने अपना जो पल्लू है वो थोड़ा सा लूज रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे टाइट कर सकते हैं, आपको जितना भी टाइट चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा लूज पसंद है, सो आई लाइक इट दैट वे, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। सो यू गाइज, दिस इज़ द कम्प्लीट लुक। सी कितनी ब्यूटीफुली साड़ी ड्रेप हुई है और कितनी सुंदर प्लीट्स आई है। लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम मोर क्लोजर। सो यू गाइज कैन ऑल्सो ड्रेप योर साड़ी इन दिस वे। आप इस तरीके से साड़ी बांधेंगे तो आपकी जो प्लीट्स हैं वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होंगी, अपने प्लेस पर रहेंगी और आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। So yeah guys, that was all for today's video. So this was my signature draping style. तो आपकी भी अगर कुछ tips and tricks हैं जो कि आप use करते हैं जिससे एकदम perfect साड़ी drape होती है, तो आप मुझे नीचे comment section में जरूर बता सकते हैं। और अगर ये video आप लोग को अच्छा लगा हो तो don't forget to give it a big thumbs up and make sure you subscribe to my channel before you leave. और आप subscribe करेंगे तो आप इस bell icon को भी press कर देना जिससे कि आप मेरी नई videos, new updates कभी भी miss ना करें। और अगर आप मेरी ये tips और ट्रिक्स यूज करते हैं और आप इस तरीके से साड़ी बांधते हैं तो प्लीज डू शेयर योर फोटोग्राफ्स विद मी। आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। सो अगेन, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। आई वुड लव टू सी यू ऑल। सो विल सी यू गाइस ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय।